हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल IAS विद हरिमोहन। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज का हमारा क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला ऑप्शन है कथन एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन दो, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कथन तीन, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो और तीन, ऑप्शन डी उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आई होप आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। आई होप आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन UPSC एग्जाम में प्री के अंदर 2013 में पूछा गया था। आइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को डिटेल में स्टडी करते हैं। सिंधु सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता नाम की कोई सभ्यता भी थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। हालांकि अब तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल नीम आदि पेड़ों की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी बाघ भैंसा गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। अतः यह कहा जा सकता है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे। अतः इस संदर्भ में विकल्प बी जो यह कहता है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे सही है। दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।